एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है स्टाइलिश वेलनेस। आज का जो मेरा वीडियो है नॉर्थ स्पेशल वीडियो, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज नॉर्थ स्पेशल वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली नवरात्रि स्पेशल थाली। इस नॉर्थ स्पेशल थाली में बहुत सारे रेसिपीज हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि साबूदाने की खीर, मिक्स फ्रूट रायता, आलू की जूस वाली सब्जी, लौकी की सब्जी, आलू की फ्राई सब्जी, आलू फ्राइड या आलू फ्राई एंड पूड़ी। इतनी सारी रेसिपीज मैंने आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हुई है, तो आप चाहें तो सिंगल वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, इस नवरात्रि स्पेशल वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल थाली। तो आज हमारी नवरात्रि स्पेशल थाली में जो पहली रेसिपी है वो है साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए साबूदाना, उसके बाद हमें कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए जो आपके पास अवेलेबल, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप पिस्ता, गरी, काजू और बादाम का यूज़ कर रही हूँ। और कुछ गार्निश करने के लिए इलायची, बड़ी छोटी इलायची हमें चाहिए, हरी वाली, मिल्क चाहिए और कुछ गार्निश करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। उसके बाद घी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। पहले मुझे कढ़ाई, कढ़ाई को गर्म हो जाए तो उसमें हमें डालना है घी। घी डालने के बाद जो साबूदाना हमने साबुत रखा था उसको धुल लीजिए, देखिए अच्छे से धुलना है हमें। उसके बाद उसको जो ये तेल है, जो घी है, उसमें सारा साबूदाना ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। हमें ये कम से कम नहीं तो इसको तेल में फ्राई करना, एक तरीके से भुनना है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए और साबूदाना काफ़ी अच्छा लगे देखने में भी, खाने में बहुत ज़्यादा इसका स्वाद बने। तो ये हमें काफ़ी, जैसे आपका साबूदाना है काफ़ी हद तक मतलब डबल फूल जाएगा, फूलने लगेगा और इस थोड़ा गड्ढे पड़ेंगे, इस तरीके से आप परेशान मत होइए। आप दूध डालेंगे, पानी डालेंगे तो ये गड्ढे भी निकल जाएंगे। तो कम से कम हमें 5 से 6 मिनट, कम से कम 5 से 6 मिनट इसको ऐसी तरीके से भुनना है अच्छे से, और ये अच्छे से भुन जाएगा। आप देख रहे होंगे पहले से काफ़ी फूल गया है साबूदाना हमारा। साबूदाना मार्केट में काफ़ी क्वालिटी के आते हैं, आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी के साबूदाना यूज़ करिए। कुछ जल्दी पक जाते हैं, कुछ लेट पकते हैं, तो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं डालूंगी, देखिए तेल छोड़ देगा, देखिए तेल घी जितना इसने छोड़ दिया है साबूदाने ने। तब हमें इसमें ऐड करना है मिल्क। मिल्क इसे मैंने 1/2 किलो से ज़्यादा ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी इस तरीके से, और ये देखिए मैं पानी डाल रही हूँ इसमें, और ये देखिए काफ़ी हद तक ये जिससे जितना गाढ़ा आपको खीर चाहिए उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। और आप बिल्कुल परेशान मत हो, जिसमें गट्ठे हैं वो ईजिली निकल जाते हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी इसका आता है। मुझे मेरे घर में तो ऑलमोस्ट सबको बहुत ही पसंद है। इसके जो गट्ठे हैं ये निकालने के लिए आप इसको जो पकने लगे खीर तो इसको मैश करते जाइए, सारी साइड से मैश करिए। उसके बाद अब इसमें ऐड करना है शुगर, और जो ड्राई फ्रूट्स हमें इसमें ऐड करना था वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर लीजिए। स्वाद अनुसार आप जिस हिसाब से सॉल्ट, जिस हिसाब से मीठा खाते हो उस हिसाब से हमें इसमें डालना है चीनी। उसके बाद जितने ड्राई फ्रूट्स हमारे वो डालिए, और इसमें इलायची भी डालिए। इलायची इसका टेस्ट, इलायची का बहुत अच्छा लगता है। आप उसका पाउडर डाल सकते हैं, खड़ा डाल सकते हैं, ऐसे कि आप जैसा पसंद हो खाने में उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं हल्का सा इसको ऐसे मैश करके डाल रही हूँ, थोड़ा सा खून के डाला है मैंने, पाउडर नहीं डाला। मुझे जब मुँह में इसकी इलायची का स्वाद आता है तो बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से डालती हूँ। तब इसको थोड़ा चला के ढक दीजिए और इसको पकने दीजिए। पकने के बाद जो हल्का सा ये पक जाए तो उसके बाद हमें इसको मैश करना है। मैश करने के लिए इस तरीके का कड़छी का यूज़ करिए ताकि ईजिली मैश हो सके। देखिए साइड साइड में इस तरीके से मैश कर रही हूँ, यहाँ पे हल्का सा इसी तरीके से जो गट्ठे पड़े हैं उसको छुड़ाने हटाने के लिए इस तरीके का कड़छी का यूज़ करना है हमें। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा मैश करके हमने जो उसके गट्ठे थे निकाल दिए हैं, और इसको थोड़ा सा और पकने देना है। देखिए मैं थोड़ा सा गाढ़ा खीर खाती हूँ तो मैंने इस तरीके से इसको गाढ़ा बनाया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और अगर थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो इसमें और थोड़े गट्ठे हैं तो थोड़ा सा और इसको पकाएंगे तो ये गट्ठे सारे निकल जाएंगे ईजिली। तो मेरी खीर हो चुकी है रेडी। तो अब हमें इसे सर्विंग है, जो हमारी थाली है नवरात्रि थाली, नवरात्रि स्पेशल थाली, उसमें हमें इसको ऐड करना है इस तरीके से। और उसके बाद इसके ऊपर से हमें गार्निश कर देना है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको इसके ऊपर से गार्निश कर देना है। तो चलते हैं अपने सेकंड रेसिपी की तरफ, जो है मिक्स फ्रूट रायता। उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो हमें चाहिए जीरा पाउडर, जीरे को भून लीजिए, उसके पाउडर बना लीजिए। उसके बाद हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, उसके बाद हमें चाहिए सॉल्ट, नमक,
सेंधा नमक जो व्रत में खाया था, उसके बाद हमें चाहिए दही, यहाँ मैंने आधा किलो दही यूज़ किया है। उसके बाद हमें चाहिए फ्रूट्स जो आपको अवेलेबल है, जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। एक्चुअली इस सीज़न में तो अंगूर नहीं मिलता है, लेकिन मैंने फिर भी अरेंज किया आप लोगों के लिए। तो अंगूर चाहिए हमें, ग्रेप्स, उसके बाद बनाना, एप्पल, सेब, इन तीनों चीज़ों को हमें, सेब को हमें छील लेना है, जो हमारा एप्पल है इसको छील लीजिए इसके ऊपर के छिलके को। उसके बाद यहाँ पे हमें दो एप्पल और दो बनाना और कुछ अनार और ग्रिप्स, इन चारों चीज़ों का मैं मिक्स फूड बनाऊंगी। ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है, जैन सच बता रही हूँ, बहुत टेस्टी और यमी बनता है। एंड इस तरीके से इसके अंदर के बीज को निकाल के छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है सेब को। तो इस तरीके से हमने सेब कट कर लिया है। इसके बाद हमें जिसमें बनाना है रहता है उसमें इसको डाल दीजिए। उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए सेंधा नमक जो व्रत में खाया था। उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची इसमें डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। ये प्रोसेस मैंने इसलिए किया ताकि ये जो हमारा सेब है वो काला ना पड़े, क्योंकि ये काला होने लगता है इसको ज़्यादा टाइम तक इस तरीके से रखेंगे तो। एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नमक हमें उतना ही डालना ताकि आगे नमक आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने बनाना जो है, जो हमारा बनाना है, जो हमारा केला है, इसको भी छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने दो बनाने का भी कट किया है। तो अब बनाना को भी इसी में हमें ऐड कर देना है और मिक्स कर लेना है। उसके बाद कुछ ग्रिप्स हमें चाहिए, कुछ अंगूर, जितना आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग, अंगूर भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। और इसको भी इसमें इस तरीके से मिक्स कर देना है, मिला लेना है जिस तरह मैं मिला रही हूँ। अब हमने जो अनार के दाने छीले थे, अनार छील के उसके दाने निकाल दो, उसको भी इसमें ऐड करके मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद नमक आपको पहले की डला हुआ है तो इस हिसाब से डालिएगा कि इसमें ज़्यादा नमक ना हो, तो इस तरीके से हमें इसमें नमक डाल देना है। उसके बाद मिर्ची पाउडर जितना खाते हैं आप वो डाल दीजिए। एंड उसके बाद ये जो हमने जीरा पाउडर बनाया था, जीरा को भून के उसका पाउडर जो बनाया था उसको उसमें ऐड कर देना है इस तरीके से। बहुत लोग जो मिक्स फ्रूट रहता होता है उसमें चीनी का यूज़ करते हैं, पर मैं चीनी का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि ये बिना चीनी के इतना टेस्टी लगता है कि जो नेचुरल, जो इसकी फ्रूट की जो मिठास होती है वो नेचुरल काफ़ी बहुत सही लगती है खाने में, और मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ती होगी। तो अब दही में भी हमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हमें इसके ऊपर से डाल देना है और मिक्स कर लेना है अच्छे से। और बिना सॉल्ट, बिना उसके शुगर के आप इसको बना के इस तरीके से देखिए, फिर मुझे बताइए टेस्टी कितना लगता है। बहुत टेस्टी लगता है ये, सचमुच मेरा फेवरेट है और जल्दी से बन भी जाता है। दही रखे रहिए, जीरा पाउडर आप पहले से बना के रखे रहिए, बस मिक्स करके बस डालना होता है और बहुत टेस्टी, इसका टेस्ट बहुत सही लगता है, क्योंकि इसका जो फ्रूट का जो नेचुरल मिठास होती है वो बहुत मुझे टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से देखिए हो चुका है हमारा रायता। पर अभी हमें थोड़ा डेकोरेशन के लिए, आप चाहें तो इस तरीके इसको मिक्स करके ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर लें उसका, अनारदाने का। पर क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको अलग बनाना चाहती हूँ, तो जो इसको क्या करना है, जो हमारा ये है इसको ब्लेंड कर लीजिए, जो दही बची हुई थी ऊपर से डाल दीजिए, थोड़ी पतली होगी, ऊपर से डाल के देखिए, थोड़ा मिक्स कर दे रही हूँ पतला करने के लिए मैं। उसके बाद इसको ऊपर से इस तरीके से डाल दीजिए, सर्व करते समय आप ऊपर से दही को डालेंगे, उसके बाद इसमें जो अनार के दाने हैं उसका आप गार्निश करेंगे इस तरीके से, देखने में भी काफ़ी अच्छा लुक आता है इस तरीके से। तो अब हम अपने जो थाली है, हमारी जो नवरात्रि स्पेशल थाली है, उसमें ये हम मिक्स फ्रूट रायता ऐड करेंगे, और इसके ऊपर से जो मैंने बताया कि ये ऐड करने के बाद जो हमने बनाया था इस तरीके से इसको डाल देंगे। डालने के बाद हम इसके ऊपर से ये सर्व करेंगे, गार्निश करेंगे इससे जो अनारदाना है उससे। ये देखने में काफ़ी टेस्टी और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई करिएगा। आप सिंगल भी ऐसे बना सकते हैं विदाउट। तो चलते हैं अपनी नवरात्रि थाली की नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है आलू फ्राई नहीं है, ये जूस वाली सब्जी आलू की बनाने जा रही हूँ मैं। इसके लिए हमें आलू चाहिए, धनिया पाउडर चाहिए, धनिया को भून के उसका पाउडर बना लें। उसके बाद जीरा चाहिए, मिर्ची चाहिए, लाल मिर्च पाउडर चाहिए, और ये हमें जीरा पाउडर भी चाहिए। टमाटर कुछ मैंने बड़े काटे हैं, कुछ छोटे छोटे काटे हैं, उसके हिसाब से जैसे आपको चाहिए होगा वैसे कट कर लीजिएगा। और धनिया चाहिए और नमक चाहिए, हरी धनिया भी हमें यहाँ पे चाहिए। उसके बाद देखिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया, उसमें तेल डाल के जो घी है घी गर्म कर लिया, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जीरा। जीरा ऐड करने के बाद हमें इसमें जो हमने मिर्ची काटी थी उस मिर्ची को हमें इसमें डाल देना है, मिर्ची हो जाए तो। उसके बाद फिर हमें इसमें ऐड करना है टमाटर, टमाटर डालने के बाद इसमें हमें नमक डालना है ताकि हल्का सा ये जो टमाटर है वो हल्का गल जाए, तो उसकी प्योरी जो है वो बन सके, गाढ़ा बन सके।
ये जो आलू जूस वाली सब्ज़ी है, आलू तरी की जो सब्ज़ी है, ये अगर हम खाते हैं पूड़ी के साथ तो अच्छा लगता है। बहुत लोग को सूखी नहीं गीली आलू की तरी वाली जूस वाली सब्ज़ी पसंद है, तो इस तरीके से आप उसको बना के खा सकते हैं। अब इसमें इतने मसाले हैं, जैसे कि मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, उसके बाद इसमें धनिया पाउडर, धनिया हमने भून के पाउडर बनाया था वो डालना है, उसके बाद फिर जीरा पाउडर डाल दिया, अगर आप चाहें तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं व्रत में, जनरली वो खाया जाता है व्रत में, आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से डाल के नमक डाल के इसको थोड़ा सा ढक देना है, आलू भी इसमें ऐड कर लीजिए। अगर आपकी जो जूस है वो थोड़ा सा आप गाढ़ा चाहते हैं तो अपने जो एक आध आलू है इसको मैश कर दीजिए, वो थोड़ा सा गाढ़ा आपको जूस मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, देखिए मैं इस तरीके से इसको मैश कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा जूस है वो ज़्यादा सही लगता है खाने में। तो इस तरीके से मैश कर देना है, मैश करते हुए इस आलू को थोड़ी देर भूनना है, भूनने के बाद पानी डाल के नमक डाल के इसको पका लेना है अच्छे से। अब भुनने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, पानी आप उतना रखिए जितना आपको तरी की जूस इसका चाहिए होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा ताकि जो है आलू पकने के बाद जब पानी थोड़ा कम हो जाए तो वो सही मात्रा में आ सके। तो ये देखिए मैंने इसमें अब इसको ढक देना है, ढकने के बाद 3 से 5 मिनट तक इसको पकाना है, पकाने के बाद अच्छे से पक जाए बस सिंपली इसको निकाल के जो धनिया है इसको गार्निश करना है। और देखिए ऑलमोस्ट ये हो चुका है हमारा, देखिए कितना सही लुक भी कितना सही आ रहा है, उतना टेस्टी भी काफ़ी बनता है, अब इसको पूड़ी के साथ खा सकते हैं अपने। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको हम अपनी सर्विंग जो हमारी थाली है नवरात्रि स्पेशल थाली उसमें इसको हमें ऐड करना। देखिए हमने इसमें धनिया गार्निश कर दिया है और कुछ धनिया बचा लेंगे अपनी थाली कटोरी में गार्निश करने के लिए। तो अब इसको चलिए हमें उसमें जो हमारी थाली है उसमें इसको ऐड करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। नवरात्रि रेसिपी है जो हमारी, वो है आलू फ्राई। आलू फ्राई के लिए पहले आलू को उबाल लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में छील के कट कर लीजिए, इस तरीके से आप जितनी बड़ी चाहते हैं उतने हिसाब से कट कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हुए, इस तरीके से मैंने इसके पीसेस कट कर लिए 4 टमाटर के छोटे पीसेस में। उसके बाद हमें चाहिए इसमें मिर्ची, हरी मिर्ची जितना आपकी का खाना चाहते उसके हिसाब से रखिए। उसके बाद धनिया, हरी धनिया मैंने कट कर लिए है। उसके बाद जीरा चाहिए हमें, जीरा के बाद हमें चाहिए सेंधा नमक जो व्रत में खाया जाता है, व्रत वाला नमक, ये वो नमक है। उसके बाद हमें इसमें यहाँ पे चाहिए, फिर हमें चाहिए घी। घी हमें अगर आप डालडा खाते हैं या फिर रिफाइंड खाते हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें फिर अपनी कढ़ाई गरम कर लेनी है, पैन जिसमें आप बना रहे हैं उसको गर्म कर लीजिए। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है ये जो घी हमारा है वो हमें इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद फिर हमें घी गर्म हो जाए तो हमें जीरा, यहाँ देखिए मैं इतना जीरा डाल रही हूँ अपने इस कढ़ाई में, घी गर्म होने के बाद जीरा ऐड कर दीजिए। जीरा जब पटकने लगे तो इसमें हमें ऐड करना है मिर्ची, जो हमने हरी मिर्ची खाई डाली है काटी हुई है उसको इसमें डाल दीजिए। उसके बाद जब मिर्चा डालने के बाद जब मिर्ची हो जाए थोड़ा सा तो इसमें हमें ऐड करना है टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद टमाटर में नमक डाल दीजिए। नमक डालने के बाद इसको हमें टमाटर डालने के बाद ऐड करने के बाद इसको हमें नमक डाल के ढक देना ताकि जो हमारा टमाटर है वो थोड़ा सा गल जाए, गले ताकि जो आलू हम इसमें डालें तो वो आलू में अच्छे से मिक्स हो पाए। तो इस तरीके से मैं इसको ढक दूंगी अभी। उसके बाद ढकने के 3 से 4 मिनट बाद इसको इसे छोड़ देना है हमें नमक डाल के ताकि ये गल जाए, जैसे मैंने आपको बताया। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने बताया था कि थोड़ा गल चुका है हमारा ये जो टमाटर था, अब अच्छे से प्यूरी बन गई है इसकी। अब इसको हम ऐड करेंगे आलू, इसमें आलू ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसको भी 1 से 2 मिनट इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे रख देंगे ताकि जो हमारा मसाला, जो हमारा ये मटेरियल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और आलू में मिक्स होने के बाद आलू थोड़ा भुने तो उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ और थोड़ा सा इसको भुनने वाली हूँ। इसमें नमक डाल के ही हमें ढकना है 2 से 3 मिनट को ढक के ऐसे रखना है। नमक डाल दीजिए क्योंकि पहले भी नमक डाला है तो स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। अब ढक दीजिए। उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद आप इसको इसमें देखिए काफ़ी अच्छे से, देखो पहले से कितना सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसमें हमें नींबू डालना है। नींबू का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे इस आलू में। अगर आप चाहते हैं तो आप मत डालिए, स्किप कर दीजिए, पर मैं इसमें आलू डालना पसंद कर आलू में हम मैं इसमें नींबू निचोड़ना पसंद करती हूँ। उसके बाद फिर इसे धनिया ऐड कर देना, ऊपर से गार्निश कर देना है धनिया का।
उसके बाद हमारा ये टेस्टी फ्राई आलू हो गया है रेडी। अब हमें इसे अपने थाल में ऐड करना है, तो चलिए फिर अपने नवरात्रि थाली में इसको ऐड करते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरह। जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है वो है लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी ले पहले हमें चाहिए जीरा, मिर्ची और नमक, बस तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। और लौकी, तो लौकी को पहले छील लेना है। तेल भी चाहिए, घी चाहिए, क्योंकि हम बनाएंगे और जिसमें आप बना जाएँ उसमें बना सकते हैं। उसके बाद फिर हमें ये लौकी को छील लेना है, छील कट कर लेना है, और अंदर का जो बीज है उसको निकाल दीजिएगा, बीज को नहीं यूज़ करना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें छोटे 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 पीसेस में इसको कट करना है बेसिकली। तो हमारी सब्ज़ी तो कट चुकी है, तो अब चलते हैं इसको बनाते हैं। तो पहले हमें कढ़ाई चाहिए, कढ़ाई में घी डालिए, घी थोड़ा ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखिएगा। और उसके बाद इसमें हमें जब घी थोड़ा गर्म हो जाए तो हमें इसमें जीरा डाल देना है। जीरा थोड़ा ही डालेगा क्योंकि हमारी थोड़ी सब्ज़ी है, एक लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो थोड़ी ही बनेगी, तो थोड़ा ही जीरा डालेगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जब भी आप लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं कि तो लौकी आपको फ्रेश होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए। आप नाखून घुसा के चेक कर लें कि वो नरम है कि नहीं, उसके बाद ही उसका यूज़ उसको परचेज़ करें, खरीदें। तो अब इस तरीके से देखिए मैंने जीरे में हमने मिर्ची डाल दी है। मिर्ची भी अगर हो जाए तो इसमें जो हमारी सब्ज़ी है, जो हमने सब्ज़ी कट किया था, उसको इसमें डाल देना है। डालने के बाद, नमक डालने के बाद उसको ढक देना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगी, अगर आपकी लौकी थोड़ा सा कड़ी है, मतलब थोड़ा पक नहीं रही, तो उसमें पानी के छींटे दे दीजिए, पानी छींटे दे के ढक दीजिए, ताकि उसे लौकी जल्दी पक जाए। और बीच बीच में इस लौकी की सब्ज़ी को चलाते रहिए ताकि नीचे जले नहीं। और नमक वमक ऐसे हमने डाल ही दिया है। अगर आपको लगता है यहाँ पे लौकी की कड़ी है थोड़ी सी तो पक नहीं रही है, तो आप इसमें पानी छुट्टे डाल के आप इसको कर सकते हैं। देखिए हमारी लौकी की सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। अब हम इसको सर्व करना है। हमारी सर्विंग बॉल है, जो हमारी थाली है नवरात्रि की, उसमें इसको ऐड करना है हल्का सा, इसमें गार्निश करके। वो जो हमने धनिया रखा था, उस धनिया को देखिए एकदम परफेक्ट पक चुका है। उसका धनिया गार्निश करके बस हमें इसको ऐड करना है अपनी नवरात्रि थाली में। चलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। जो है हम बनाएंगे पूड़ी की सब्ज़ी, तो बन ही चुकी है हमारी, काफ़ी चीज़ें बन चुकी है, तो हम चलेंगे बनाएंगे अपना पूड़ी। पूड़ी बनाने के लिए कुट्टू का आटा रख लेना है। उसके बाद हमें दो आलू उबाल लेना है। आलू बहुत अच्छे से उबालिए ताकि हम उसको मैश जब करें तो उसमें मिक्स हो, उसमें गट्ठे ना हो, आलू में गट्ठे ना पड़े। तो यहाँ मैं आलू की हेल्प से, इसमें आप चाहें पानी मत यूज़ करिए, आलू की हेल्प से ही हमें आटे को गूंदना है। तो यहाँ मैंने एक बाउल से, मतलब एक कटोरा लिया था कुट्टू का आटा, उसमें मैंने डेढ़ आलू उसमें डाला हुआ, डेढ़ आलू में ये आटा हमारा हो जाएगा रेडी। इस तरीके से आटा तो हमारा हो चुका है रेडी। अब हमें इसको बनाने हैं पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बनाने के लिए जिस शेप में, मतलब जितने बड़ा आकार में, जितना बड़ा शेप देना है आपको पूड़ियों का, उस हिसाब से आप उसकी छोटे छोटे गोले काटिए। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ, तो मैं इसीलिए छोटे गोले ही बनाए हैं इसके। और इस तरीके से मैं इसको पूड़ियाँ, हमें सारे आटों की पूड़ियाँ तैयार कर लेनी है। हाथों से प्रेस करके इसको बनानी है पूड़ियाँ। बेलन का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। हाथ पे हल्का सा ये जो कुट्टू का आटा था वो लगा करके इस तरह से गोली गोली बना करके आप बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना सकते हैं। आप छोटी बड़ी जो जिस साइज़ में आपको पसंद है उस साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने कुट्टू की काफ़ी रोटियां पूड़ियां बना ली हैं हाथों से। देखिए यहाँ पे काफ़ी बन गई हैं। तब चलते हैं इसको तलते हैं। तलने के लिए हमें कढ़ाई चाहिए। कढ़ाई में हमें तेल डाल देना है, घी डाल देना है। उसके बाद जब घी अच्छे से हो जाए तो उसमें एक एक करके हमें पूड़ियाँ तल लेनी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एंड इस तरीके से हमें सारी पूड़ियों को तल लेना है। तो इस प्रकार से हमारे जो पूड़ियाँ थी वो ऑलमोस्ट सारी पूड़ियाँ तल चुकी हैं। अब इसको हमें ऐड करना है अपने नवरात्रि थाल में। और अगर
देखिए हमारा नवरात्रि का थाल हो चुका है रेडी। अब चलते इसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट के ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा डिश ज़्यादा पसंद आया। बनाइए, खाइए और खिलाइए। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।